सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के Y20 डिवाइस के अंदर आप जो है iOS के डायलर को आप कैसे लगा सकते हो। जो एप्पल का डायलर होता है वो काफी लाइक इंटरेस्टिंग डायलर एक तरीके से होता है। अगर आप भी अपने वीवो के डिवाइस में, वीवो के Y20 डिवाइस के अंदर iOS के डायलर को आप लगाना चाहते हैं तो इनकमिंग कॉल और आउटगोइंग कॉल दोनों पे आप जो है एक्सपीरियंस उसका ले सकते हैं। तो चलो अभी हम डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे हमें iOS के डायलर को लगाना है अपने Vivo के Y20 डिवाइस के अंदर। सो गाइस, फोन में iOS के डायलर को लगाने के लिए सबसे पहले डाउनलोड करना होगा एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस। हालांकि आप जो हमारे लिंक से भी उस एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकती हैं जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर में जाएंगे, आई कॉल स्क्रीन नाम से आपको एक iOS डायलर मिल जाएगा। आप इसको इजिली इंस्टॉल कर लीजिए, सिंपल इसको ओपन करेंगे। अब इसका यूज इंटरफेस काफी इजी टू यूज है गाइस, कोई भी आसानी से इसको डाउनलोड करके यूज कर सकता है। इसके बाद हमारे पास कुछ परमिशन की रिक्वायरमेंट होगी जिसके लिए हम इस एरो को प्रेस करेंगे। अगेन हमें इसी एरो को प्रेस करना है, वापस से प्रेस करेंगे एंड लेट्स डू इट का ऑप्शन आएगा, एक बार हम इसको प्रेस करेंगे एंड सेट डिफॉल्ट का ऑप्शन आ रहा है तो हमें इस डायलर को एज अ डिफॉल्ट करना पड़ेगा। तो सेट डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे तो जितने भी डायलर्स आपके फोन के अंदर दिख रहे हैं तो आप इस वाले आई कॉल स्क्रीन वाले को सेट करके सेट एज अ डिफॉल्ट करेंगे और ये डायलर जो है डिफॉल्ट हो जाएगा। जो आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल सारी होंगी अब इसी डायलर के जरिए होंगी। इसके बाद हम इस एरो को प्रेस करते हुए, यहाँ पर एड्स वगैरह भी आती हैं इस एप्लीकेशन के अंदर, सो एड्स को आप इजिली स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम कट करेंगे यहां से। अभी हमारे पास डायलर ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर हम कोई भी कॉल्स वगैरह करें उससे पहले हमें थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी इस डायलर की। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर आप जो है बिकम प्रीमियम भी ले सकते हो इसका अगर लेना चाहे तो। प्रीमियम में आपको एड्स वगैरह नहीं मिलती, थोड़े से बेसिक लेवल के आपको ऑप्शंस दिख जाते हैं जो आप इसमें एडवांस लेवल तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, जनरल सेटिंग है इसको प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो सिम परफॉर्मेंस है, इसको प्रेस करके आप इसमें कॉल वेटिंग वगैरह वाला इस्तेमाल कर सकते हो, कॉल फॉरवर्डिंग भी यूज कर सकते हो, ये सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी। इसके बाद आप नीचे बैक आएंगे थोड़ा सा और इसके बाद आपको मैनेज स्पीड डायल मिलता है। एज अ बाय डिफॉल्ट डायलर के अंदर आपको स्पीड डायल का सेटिंग्स नहीं मिलता, बिकॉज इस डायलर के अंदर आपको स्पीड डायल भी मिल जाता है। किसी भी पर्टिकुलर नंबर पे जो आपने सेट करके रखा है उस नंबर को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो जिस पर्सन का आपने नंबर सेट रखा है उस पर ऑटोमेटिक कॉल चली जाएगी, उसको हम स्पीड डायल बोलते हैं। फिलहाल हम इन सब की बात ना करते हुए हम यहाँ पर वॉलपेपर को अपने चेंज करेंगे जो बैकग्राउंड में होता है। चेंज वॉलपेपर पर क्लिक करिए, ग्रांट परमिशन पर जाके और यहाँ से अलाउ कर देंगे। हमारे पास कुछ यहाँ पर आपको फोटोज मिल जाएंगी लाइक वॉलपेपर्स, आप इसमें अपना खुद का इमेज भी लगा सकते हो। चूज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है, हमारा गैलरी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं अपनी एक इमेज लगाऊंगा जो हमारे डायलर पे दिखाई दे, इसको प्रेस करेंगे। हमारे पास यहाँ पर क्रॉप टूल मिल जाता है, अपनी इमेज को क्रॉप करिए, इसके बाद एरो को प्रेस कर देंगे तो ये सेट हो जाएगा। जो आप यहाँ पर देख सकते हो जब भी कोई कॉल आएगी आपको इस तरह से ये दिखाई देगा। इसके लिए इनेबल ब्लर वॉलपेपर है, इसको ऑन कर देंगे, ये ब्लर वॉलपेपर हो जाएगा, लाइक वॉलपेपर ब्लर रहेगा अगर इसको आप ऑन नहीं करते तो आपको अपनी इमेज के साथ दिखाई देगा। एरो को प्रेस कर देना है और ये इजीली सेट हो जाएगा यहाँ पर गाइस। अब ये सेट हो चुका है, अब हम इसमें करने के बारे में कॉल करके आपको दिखाते हैं ये जो डायलर हमें दिया गया है वो कैसे मिलने वाला है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर डायल करेंगे कोई नंबर, क्योंकि सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे इसका डायलर। तो हम यहाँ पर एक नंबर एंटर करके इसको डायल कर देंगे एंड सिमोन से कर देते हैं। अभी हमारे फोटोज के साथ जो डायलर मिल रहा है ये कस्टमाइजेबल डायलर है और यहाँ पर देख सकते हो ये है iOS का डायलर जो हमने एप्लीकेशंस को एक्सेस करा था। अब इसको हम कट करेंगे एंड यहाँ पर हम करने वाले हैं दूसरे फोन से कॉल एंड कॉलिंग पे जो आपको मिलने वाला है स्क्रीन वो कैसा मिलने वाला है मैं उसको भी आपको दिखाना चाहूंगा, ताकि आप जो है प्रॉपरली अगर एक्सेस कर ही रहे हैं तो एक अलग और इंटरेस्टिंग डायलर का एक्सेस कर सके। मैं इस पर अब कॉल करूंगा, लाइट को इसके बंद कर देता हूँ। इसके बाद हमने इस पर नंबर डायल कर दिया है तो अभी इसके अंदर जब कॉल आएगी हमें एक इंटरेस्टिंग लुक देखने को मिलेगा हमारे डायलर पे। तो आप इस चीज को अपने साथ भी कर सकते हो, यू नो, तो किसी भी चीज के साथ आप करना चाहें, किसी भी फोन में करना चाहें आसानी के साथ आप कर पाएंगे। मैं डायल कर दिया है, अभी जब कॉल आएगी तो हमारे पास अभी कॉल आ चुकी है हमारी इमेज के साथ, ये iOS के डायलर के साथ हमें शो कर रहा है। हम यहाँ से रिसीव करना चाहें तो रिसीव कर सकते हैं। जो डायलर हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से फुल्ली कस्टमाइजेबल डायलर हमें देखने को मिल जाता है। आई थिंक आपको भी अगर इस्तेमाल करना है तो इस तरीके का डायलर आप यूज कर सकते हैं अपने डिवाइस के अंदर। आई होप कि आप समझोगे iOS के डायलर को कैसे एक्सेस करना है। एंड गाइस, फिर भी कोई कंफ्यूजिंग होती है इसके रिगार्डिंग कॉमेंट सेक्शन नीचे है, आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, हैंडल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा।